अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर हो रही है ज़बरदस्त सी रेस्टोरेंट स्टाइल की अंडा चना की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगी। चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया एक दरमियाने साइज़ का टमाटर, एक बल्ब हमने ले लिया था लहसुन का यानी एक पोथी ले ली थी, 1.5 इंच का हमने टुकड़ा लिया था अदरक का और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंडिंग जग में डाला था और फिर पानी की मदद से पीस लिया था, यानी पानी हमने इतना डाला था कि बहुत पतला ना पिसे, गाढ़ा गाढ़ा हमने पीस लिया था। जब मसाला अच्छे से पिस गया था तो उसके बाद हमने एक डेगची में घी गरम किया था। हमने 1.5 कप घी लिया, उसे गरम किया और उसके बाद लहसुन अदरक प्याज और टमाटर के इस पेस्ट को डाल के तलने के लिए रख दिया था। दूसरी जानिब ये हमने 6 अदद अंडे लिए थे जिनको हमने हार्ड बॉयल कर लिया था यानी देर तक उबाला था और उसके बाद इनको ये डीप फ्राई करके लाइट गोल्डन कलर दे लिया था। अब देखें, एक चूल्हे पर हमारा ये मसाला भुन रहा था। मसाले को हमने खूब अच्छे से भूनना है, घी हमने 1.5 कप ही डालना है। कम करेंगे तो फिर मसाला अच्छे से तलेगा नहीं, भुनेगा नहीं, मज़ा नहीं आएगा। अब इसमें हम शामिल करते हैं कुछ मसाले। 1.5 चम्मच हमने शामिल किया था इसमें नमक, 1/2 चम्मच हमने हल्दी डाली थी, 1/2 चम्मच जो है हमने पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी और ख़ूब अच्छे से मसाले को भूनना शुरू कर दिया था। हमने इतनी देर तक मसाले को भूनना है कि मसाला खूब अच्छे से तेल छोड़ दे। अब ये हमारे पास 1.5 कप उबले हुए चने थे, 1.5 कप यानी कि 1 पाव के करीब, तो हमने इनको इस मसाले में शामिल कर दिया। इनको हमने पहले से उबाल कर रखा हुआ था। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ये चनों का पानी। जिस पानी में हमने चने उबाले थे वही पानी हम इस सालन की ग्रेवी को बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तकरीबन 2 गिलास के करीब हमने पानी इस ग्रेवी में डाला था। इसको अच्छे से मिक्स किया और 5 मिनट के लिए हम ढक्कन ढाँप कर पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए तरी इतनी अच्छी सी ऊपर आई, इतना खुशकल सा सालन तैयार होने लगा है। साथ ही हमने 5 मिनट के बाद इसमें ये उबले हुए तले हुए अंडे भी शामिल कर दिए और दोबारा से तकरीबन 5 से 10 मिनट का दम देंगे और यूं झटपट हमारे ज़बरदस्त से रेस्टोरेंट स्टाइल अंडा चना तैयार हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।